नमस्ते दोस्तों, मैं बिमलेश असटपुरिया चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम सूजी के लड्डू बनाएंगे, ठीक है। तो एक कटोरी हमने सूजी ली है, बूरा भी अपने हिसाब से डालेंगे यानी शक्कर, और ये थोड़ा सा हमने नारियल का बुरादा है, और थोड़ा बादाम डालेंगे, थोड़ा छुहारा डालेंगे और थोड़ा किशमिश डालेंगे, ठीक है। और बदाम, और इतना सा हम घी लेंगे यानी 2 चम्मच घी है हमारा देसी घी। तो पहले हम घी हमारा गर्म हो गया है, और हम सूजी छोड़ेंगे। तो ये सूजी हमने 4 मिनट भून ली है, 3-4 मिनट हमने इसको भूना है। तो सूजी हमारी भून चुकी है, तो अब हम थोड़ा सा ये कद्दूकस जो हमने किया है नारियल वो डालेंगे हम, ठीक है। अब 2 मिनट हमने इसको भी भून लिया, तो गैस को बंद करेंगे। अभी पहले हम थोड़ा ये किशमिश और डालना, ये किशमिश डालेंगे, और ये बादाम है, और अब गैस को बंद करेंगे हम, बस अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो अब ये सूजी जो हमने भूनी थी अभी, अब ये ठंडी हो चुकी है, और ठंडा होने के बाद अब हम इसमें बूरा डालेंगे, पहले 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच, और ये 4, बस इतना ही डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे, बस अभी इतना ही डालेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। और थोड़ा सा ये इलायची पाउडर है, हरी इलायची जो हमने फोर के, और इसको मिक्सर चूर्ण बना लिया इसका, बस। तो दूध अब हम और डालेंगे, अभी हमारा ये मिक्सर सही नहीं हुआ है। 3 चम्मच और डाल दी हमने, दूध हमें जब तक डालना है जब तक हमारे लड्डू बन ना जाए। अब देखिए लड्डू बनने लगे, अब हम दूध नहीं डालेंगे, ठीक है।
इस तरह से मिला लेंगे हम। बस हमारा मिक्सर सही बन गया, ये देखो अब लड्डू भी आसानी से बनेंगे। ये लड्डू हमारे बन के तैयार हैं। अब इनको हम ये गरी का जो बुरादा है गोले का, अब इसको हम इस तरह से और इस तरह से हम इनको सबको लपेट देंगे। तो सारे लड्डू हम इसी तरह से हमने बना लिए और लपेट लिए इनमें चूरा में, नारियल का चूरा जो बनाया था हमने। इस तरह से अब लड्डू हमारे ये बन चुके हैं। अब इनको हम थोड़ा सजाएंगे बादाम से। सूजी के लड्डू हमारे बन के तैयार है, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताना, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अचट कुरिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं। थैंक यू।